हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, एक बार फिर मार्च में शुरू होगा आंदोलन, दिल्ली कूच करेंगे किसान। खबर है कि दिल्ली में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। एसकेएम ने ऐलान किया है कि एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 15 से 22 मार्च को वे दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में किसानों की बड़ी बैठक होगी। नोएडा में 1 फरवरी से ये गाड़ियां दिखी तो होगी जब्त, परिवहन विभाग ने बनाई टीम। खबर है कि नोएडा में पुरानी पेट्रोल व डीजल से चलने वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए 6 टीमों का गठन किया है। ये कार्रवाई 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। एनजीटी के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। दिल्ली मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि भारी हंगामे के बीच एमसीडी सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते मेयर चुनाव इस महीने में दूसरी बार फिर से टल गया। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी की छात्रों को सलाह, कहा दबाव को हावी न होने दें। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा की। ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के 6th संस्करण में छात्रों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फोकस बहुत जरूरी है। क्रिकेटरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे फैंस और दर्शकों का दबाव नहीं लेते, वे सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, मेरी वजह से सत्ता में कांग्रेस की हुई वापसी। खबर है कि राजस्थान में सियासी हलचल चल रही है। सचिन पायलट के 2013 से 2018 तक संघर्ष वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी मेरी वजह से हुई है। पायलट का नाम लिए बिना सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि साल 2013 की हार बहुत हद तक मोदी लहर के कारण हुई। कोर्ट ने दी जैकलिन फर्नांडिस को राहत, विदेश यात्रा की मिली अनुमति। खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दुबई यात्रा की अनुमति दे दी है। जैकलिन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 27 से 30 जनवरी तक दुबई जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत गरमाई, कांग्रेस के नेता अलवी बोले, वीडियो जारी करें। खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी से विवाद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने कहा कि यदि सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है तो उसे दिखाने में केंद्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर राशिद अलवी दिग्विजय सिंह के साथ आए हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।